कौन सी पोजीशन आई आपकी? थर्ड। थर्ड कितने परसेंट मार्क आए? 97.4। पिताजी क्या करते हैं? पिता दूध का काम करते हैं। दूध का काम। तो कैसे पढ़ाई की? कैसे पढ़ाई करते समय पूरा मन को इकरार करके। उत्तर प्रदेश में आज हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है। रिजल्ट आता है तो छात्रों का भविष्य तय हो जाता है। और कानपुर में आज हम एक ऐसे स्कूल में आए हैं, शिवाजी इंटर कॉलेज। आप बताएंगे, समझेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि इस कॉलेज से फिर इंटर के छात्र ने तृतीय पोजीशन पाई है। आदित्य नाम है, प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल का सीना भी गौरव से चौड़ा हो जाता है जब उनका छात्र कोई कॉलेज का नाम रोशन करते हुए यूपी में मेरिट में स्थान पाए। तीसरा स्थान है, पूछ लेते हैं क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार यादव। तो आदित्य कौन सी पोजीशन आई आपकी? थर्ड। थर्ड कितने परसेंट मार्क आए? 97.4। पिताजी क्या करते हैं? पिता दूध का काम करते हैं। दूध का काम। तो कैसे पढ़ाई की? कैसे पढ़ाई करते समय पूरा मन को एकाग्र करके एकाग्र करके पढ़ाई की। कितने घंटे पढ़ाई की? 8 से 10 घंटे घर में। सोशल मीडिया टीवी देखते थे? नहीं। तो जो आई है पोजीशन तीसरी तुम्हारी, पूरे देश में नाम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की इंटर में तीसरी पोजीशन आई है, तो इसमें क्या कहना है, किसको श्रेय दे रहे हो? हम श्रेय अपने स्कूल के प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षक विशेष रूप से रविंद्र सर, महेश सर एवं सभी विषय अध्यापक को देना चाहेंगे श्रेय। सोशल मीडिया मोबाइल एक्टिव थे? नहीं एक्टिव। देखिए, छात्र का सोशल मीडिया पर नहीं था, 8 घंटे पढ़ाई करता था और पोजीशन आ गई। अब साथ में प्रिंसिपल खड़े हैं। प्रिंसिपल साहब इसलिए याद हैं कि 2 साल पहले भी इस कॉलेज से 5 पोजीशन एक साथ आई थी हाई स्कूल में। प्रिंसिपल को गर्व हो गया, हमको भी गर्व होगा, इन स्टूडेंट को भी गर्व होगा कि उनके प्रिंसिपल की ऐसी शिक्षा है, ऐसा गाइडेंस है कि पोजीशन यहाँ बंधती चली जा रही है। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार अवस्थी, प्रिंसिपल शिवाजी इंटर कॉलेज अर्रा। अवस्थी जी, आपने ऐसे क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को कि आपके यहाँ से पोजीशन लगातार आ रही है? बुनियादी शिक्षा पर जोर, विषय वाइज शिक्षा, बच्चों का सर्वांगीण विकास और कठिन परिश्रम, सदाचार, ऑनेस्टी, स्वाभिमान, सारे का समग्र रूप है। तो अब क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? देश की सबसे बड़ी सेवा, देश गौरवान्वित महसूस हो, ऐसे नागरिक तैयार करना जो अच्छे प्रशासक हों, अच्छे राजनेता हों, अच्छे कर्मकार हों, अच्छे पत्रकार हों, अच्छे जज हों। सर एक बात लगता नहीं कि आपको यहाँ आने के लिए स्कूल में सही सड़क भी नहीं, यहाँ तक आने के लिए बिल्डिंग भी आपकी सही नहीं, ईंटा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इस तरह से लड़कों को शिक्षा दी कि आपके टॉप पे आ गए? कठिन परिश्रम, एक लक्ष्य कि सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम करना सिखाया है, कठिन परिश्रम। क्या कहें आपको, समझिए, हमने भी पढ़ाई की, आप सबने भी पढ़ाई की, लोगों ने पढ़ाई की, और कोई छात्र जब अपने साथियों के साथ में मेरिट में स्थान आता है तो उसका गर्व से सीना तो बढ़ता ही है, माँ बाप का सीना चौड़ा होता है, प्रिंसिपल का सीना चौड़ा होता है, और उसके साथियों को एक दिशा मिलती है कि काश हमने भी इसी तरह पढ़ाई की होती तो हमारी भी पोजीशन आती। इंटर में आदित्य ने तीसरी पोजीशन पाके कानपुर में अपना नाम रोशन किया है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उसका भविष्य उज्जवल हो, देश की सेवा में वो संलग्न रहे हैं, और इसी तरह और भी छात्र ढंग से पढ़ाई करते हुए पोजीशन पाएँ तो देश का भी भला होगा। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।